तो दोस्तों आज हमारे पास EMI का नोट 5 हैंडसेट EMI अकाउंट के लिए आया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ, इसको आप विदाउट PC के नहीं को बाईपास कर सकते, इसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके लिए हाँ, ये इसके लिए आपके पास अगर टूल नहीं है तो आपका मेरा कल क्रैक से भी काम चल जाएगा। तो चलिए इसको हम EDL मोड में ले जाकर इसका EMI अकाउंट अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों विदाउट कंप्यूटर के कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप अपना टाइम मत बर्बाद कीजिए। YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियो है कि जो दावा करते हैं कि EMI अकाउंट आपका विदाउट कंप्यूटर आप ट्रिक से कर सकते, लेकिन ऐसा कोई नहीं। दोस्तों ये जो दो पॉइंट है EDL पॉइंट, आपको इसको शॉर्ट करना है, और जैसे इसको शॉर्ट करेंगे आप, आपको डेटा केबल को प्लग करना है। जैसे आप डेटा केबल लगाते हैं हमारा EDL पोर्ट बन जाएगा। ये देखिए हमारा EDL पोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पर हम हमारा नोट फाइव है, इसीलिए हम रेडमी नोट 5 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नीचे भी आपको रेडमी नोट 5 करना है। तो दोस्तों कई बार ये एरर आता है, अगर हम हमारी बैटरी रिमूव नहीं करते तब भी ये हमको एरर आता है। तो EDL मोड में जब भी आप हैंडसेट को EDL मोड में कनेक्ट करते हैं आपको बैटरी रिमूव करना है। तो हम स्टार्ट बटन देते हैं इसको, यहाँ पे EMI अकाउंट सिलेक्ट करके स्टार बटन दे देते हैं इसको। तो जैसे हम स्टार बटन देते हैं हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर आ चुका है, ट्राई अगेन आ चुका है। तो दोस्तों बैटरी को आपको रिमूव करना है, और अब की बार हम Redmi 5 Plus को सिलेक्ट करेंगे। आपको नोट 5 नहीं सिलेक्ट करना, Redmi 5 Plus सिलेक्ट करना है और स्टार्ट बटन देना है। जैसे हम स्टार्ट बटन देंगे हमारा मॉडल ले चुका है दोस्तों, बिना कोई एरर के ये हमारा काम बहुत ही सिंपली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बिना किसी एरर के हमारा काम हो चुका है, और हमारा जो EMI अकाउंट का लॉक है वो अनलॉक हो चुका है। कई दोस्तों के मैसेज आते हैं कि सर हमें विदाउट कंप्यूटर के EMI का अकाउंट खुलवाने के लिए कोई ट्रिक अगर होगा तो बता दो। लेकिन दोस्तों इसका फिलहाल अभी तक तो कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपके मोबाइल का EMI अकाउंट का पासवर्ड फॉरगेट करके ही सिर्फ आप कर सकते हैं, वरना कोई ट्रिक नहीं है इसको। ये देखिए हमारा मोबाइल अनलॉक हो चुका है।
तो दोस्तों हमारा काम डन हो चुका है,